हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें मांस मच्छी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम मांस मच्छी खाते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजा नहीं कर सकते? आप अगर भगवान श्री कृष्ण के सच्चा भक्त है तो आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो आप अगर घर में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो क्या मांस मच्छी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे? भगवान श्री कृष्ण को मांस मच्छी भोग नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए जो सामग्रियां भगवान को भोग लगाया जा सकता है उसी को आप अपने रसोई में पकाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए, फिर वही प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। आप भगवान के अगर भक्त बनना ही चाहते हैं तो भगवान के दिए गए जो नियम हैं इनको भी आपको मानना चाहिए। मांस मच्छी खाना कलयुग में जो चार तरह के पाप है, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संग करना और मांस मच्छी खाना, ये जो चार तरह के पाप कर्म है, मांस मच्छी खाना उन्हीं में से एक है। तो फिर आप पाप भी करेंगे और भगवान श्री हरि का भजन भी करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको धीरे धीरे करके ये जो मांस मच्छी के प्रति आपका बहुत मोह है, लोभ है, इसको त्यागने की कोशिश करना चाहिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको ज़रूर ये सब त्यागने का शक्ति मिलेगा। आप धीरे धीरे करके हरिनाम करते रहिए, एक माला दो माला करके हरिनाम का प्रारंभ कीजिए और जो भगवान के भक्त है उनसे मिलते जुलते रहिए, उनसे भगवान की कथाएँ सुनते रहिए। इस तरह से करते हुए आपको मांस मच्छी के प्रति जो आपका आकर्षण है वो कम होता रहेगा और आप सफलतापूर्वक मांस मच्छी छोड़ पाएंगे। हरे कृष्णा।